ओके, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से हम देख रहे थे, हमने जो है वो एमसीक्यू देखा, ठीक है, और मैंने बताया आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो ये आ रहे हैं जी, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड जो है, जब आपको पता है कि प्लास्टिड जो है वो, याद रखिए, एक्चुअली पार्ट ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है, एनिमल्स में नहीं होते, आपको पता है एनिमल सेल के अंदर। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो है ये डबल मेम्ब्रेनस है, और मैं शुरू में भी आपको बता के आ रहा हूं कि प्लास्टिड्स, चाहे वो क्रोमोप्लास्ट हो, क्लोरो हो, लीको हो, ये हमारे पास क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होंगे, ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होंगे, डबल मेम्ब्रेनस। अब इसमें एक छोटा सा स्केच है तो आपको बताना चाहता हूँ, जो जब प्लांट बन रहा होता है तो इनिशियली जब प्लांट फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, तो शुरू में क्या होता है कि न्यूली प्लांट सेल, ठीक है, न्यूली जो प्लांट सेल बनता है तो उसमें सबसे पहले क्या बनता है, प्रोप्लास्टिड, बिल्कुल इनिशियल प्लास्टिड, ठीक। वो फर्दर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है जब उस पे लाइट फॉल करती है, ठीक है, तो क्रोमो, क्लोरो और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। समझ आ गई इस बात की, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमो, ल्यूको और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। अब इसमें एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि जो एटियोप्लास्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट इंटेंसिटी, जो एटियोप्लास्ट है ये क्लोरो, और जो क्लोरो है ये एटियोप्लास्ट के अंदर जो कन्वर्ट हो सकता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, आपने जो चीज याद रखनी है वो इन तीनों के नाम याद रखने हैं और इनके फंक्शंस। मसलन अगर हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, तो याद रखना प्लांट्स कलर अदर देन ग्रीन किसकी वजह से होता है, क्रोमो की वजह से, क्रोमो कलर। मसलन पेटल्स, राइपन फ्रूट है उसके अंदर, हेल्प इन पॉलिनेशन है, ठीक हो गया, और उसके बाद सीड डिस्पर्सल के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक। अच्छा, इसी तरह अगर हम फर्दर देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो कलरलेस होते हैं, ट्राई एंगुलर होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ठीक हो गया, फाउंड अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, और स्टोर्ड कर रहे होते हैं फूड। आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आ चुका हुआ है कि जी जो अंडरग्राउंड पार्ट है उस पर कौन सा प्लास्टिड का पोर्शन मौजूद है, तो पता होना चाहिए ल्यूकोप्लास्ट, ठीक हो गया। ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर हम तीन कैटेगरी डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ फूड, हमने कहा ना फूड स्टोरेज में, ठीक है, तो किसमें इन्वॉल्व थे, स्टोरेज ऑफ फूड। तो तीन तरह की फूड होती है, एक हमारे पास होते हैं, मैं कह रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक हो गया, अगर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहे हैं, अमाइलो, अमाइलो से याद रख लो, ठीक है। उसके बाद इसको बाद में बताता हूँ, प्रोटीनोप्लास्ट, यानी वो जो प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं, पीछे कौन सा मेजर बायो मॉलिक्यूल रह गया, ऑब्वियसली लिपिड्स, लिपिड्स को जो स्टोर कर रहे होंगे वे ल्यूकोप्लास्ट होंगे, ठीक हो गया, ये याद रखना है आपने, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पूछे जा सकते हैं, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करें तो ये आ गया जी हमारे पास करने स्प्लीट का स्ट्रक्चर। देखिए, मेजरली तो हमने पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इसके अंदर, क्योंकि बुक में जी क्लोरोप्लास्ट की डिटेल दी हुई है, सही हो गया। फर्स्ट कर लें, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो है ना, वन जो है ये एक प्लांट है, ठीक हो गया, और इस प्लांट में ये लीव, और लीव का मैंने ये ले लिया अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सही। अब लीव में आपको पता है एक अपर एपिडर्मस होती है, और उसके ऊपर एक क्यूटिकल की लेयर होती है, ये क्यूटिकल की लेयर है, ठीक हो गया सारी, और उसके नीचे क्या है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये क्यूटिकल, ये क्या हो गई, अपर एपिडर्मस, ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको स्पेशलाइज सेल्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, पैलेसेड मीजोफिल सेल, उसके बाद क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, समझ आ गई इस बात की, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद ये हमारे पास आ गई है लोअर एपिडर्मस, समझ आ गई इस बात की। नाउ अब हमारे पास जो अपर एपिडर्मिस है, उसमें जो है आपसे ये पूछा जाए एंटी टेस्ट के अंदर कि जी क्लोरोप्लास्ट लीफ के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है, वेयर क्लोरोप्लास्ट फाउंड, हाँ जी, कहाँ कहाँ पे होते हैं, शाबाश, छोटी तरह और सोच के बताएं, ठीक है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट, याद रखिएगा, एक तो आपने गुड शाबाश, पैलेसिड मीजोफिल सेल में होंगे, ठीक हो गया, एक कहाँ पे होंगे, पैलेसिड मीजोफिल सेल्स के अंदर, दूसरे कहाँ पे होंगे हमारे पास, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है, दूसरे कहाँ पे होंगे हमारे पास, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के अंदर, ठीक हो गया। इसके अलावा कोई और प्लांट का पोर्शन हो जहां पे आपके ख्याल में हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी हो कि जी यहाँ पे जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो सकते हैं, ठीक
ठीक है, तो उसमें एक चीज याद रख लीजिएगा और वो ये है कि जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे और इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, जो कि स्टोमा बनाते हैं। याद रखना क्लोरोप्लास्ट जो है वो किन के अंदर मौजूद होते हैं, गार्ड सेल्स के अंदर भी हमारे पास क्या है, मौजूद होंगे। समझ आ गई इस बात की? ओके ओके, तो हम देख रहे थे, हमने कहा था कि ये स्ट्रक्चर मौजूद है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, मौजूद है। मेजर क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। किसमें इन्वॉल्व होते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा आप जरा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो पूरा स्टैक आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक होगा तो ग्रेनम, ज्यादा होंगे तो ग्रेना, ठीक हो गया। इसी तरह ये एक जो ग्रेना है इसको आपस में इंटरलिंक कर लिया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, इंटरग्रेना, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, थायलाकॉइड, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम इसको कट करेंगे तो हमें ये खाली ऐसे स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा होता है, ठीक है, ये जो खाली कैविटी होती है इसको हम कहते हैं ल्यूमन, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, ल्यूमन। और ये क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, और इन मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं थायलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। समझ आ गई इस बात की? इसके अलावा ये जो इंटरनल डिसॉल्व रीजन होता है इसको हम कह देते हैं स्ट्रोमा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो डायामीटर होता है वो 4 to 6 जो है वो माइक्रोमीटर होता है। देन हमारे पास इसका जो स्ट्रोमा होगा, उसके स्ट्रोमा के अंदर जो राइबोसोम होंगे, मैं शुरू में भी बता गया रहा हूँ आपको, अभी भी बता रहा हूँ, 70S होंगे, ठीक हो गया। इसका अपना DNA होता है, याद रखना है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये सनलाइट फॉल कर रही है लीफ पे, और ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिला के, आपको पता है ये क्या हो रही है, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास हो रही है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस को आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारे पास लाइट रिएक्शन है और दूसरा हमारे पास डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक हो गया, और डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। समझ आ गई इस बात की? तो यहां देखिएगा, तो जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन यहां देखेंगे इसका स्ट्रक्चर भी, मजीद भी आगे देखेंगे जाके बायोएनर्जेटिक्स के अंदर, तो ये एक्चुअल में क्या है, एक थैलाकॉइड पड़ी हुई है स्टैक के अंदर, तो इसमें क्या है कि एक्चुअल में लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ऊपर होता है, ठीक हो गया। और केल्विन साइकिल कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है जी स्ट्रोमा के अंदर, किसके अंदर हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर, ये याद रखना। पीछे क्रैब साइकिल पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि हमारे पास केल्विन साइकिल के एंजाइम कहाँ होंगे, तो केल्विन साइकिल के एंजाइम कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में। क्रैब साइकिल के एंजाइम कहाँ होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होंगे, ठीक हो गया। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के कहाँ होंगे, जो है वो क्लोरो इसके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। लाइट इंडिपेंडेंट के कहाँ होंगे, डार्क के कहाँ होंगे, याद रखना है वो स्ट्रोमा के अंदर ही होंगे, ठीक हो गया। ये क्लोरोप्लास्ट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद हमारे पास छोटे छोटे दो टॉपिक है, साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया, लिविंग कॉन्टेंट है जी, ठीक है। उसके बाद एक प्रोटोप्लाज्म है, हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था, स्टार्ट में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। न्यूक्लियस में ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और उसमें हमारे पास ये इंटरनल रीजन था, ये हमारे पास क्या था, साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था कि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। फिर मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लास्ट एक टर्म, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या था, मैंने बताया था कि हमारे पास एक प्लांट सेल है, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले रेफरेंस से है, बायोटेक्नोलॉजी में जो टिश्यू कल्चर का दिया हुआ है, ये सेल वॉल है, ठीक हो गया। ये सारे क्या है हमारे पास, सेल वॉल, ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। इसी तरह ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। अगर आप प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दो, पीछे क्या रह गया, प्रोटोप्लास्ट। मतलब क्या हुआ कि प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, तीन चीजें होंगी, तो प्रोटोप्लास्ट
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाल दोगे तो क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक हो गया। ओके उसके बाद ये सॉल्युबल पार्ट है किसका, साइटोप्लाज्म का, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। 90% वाटर होता है इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि जी जो प्लांट सेल है उसके अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है, यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉलर वैक्यूल होते हैं। समझ आ गई इस बात की, ये एक मेजर जो है वो चीज आ जाती है। उसके बाद वैक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो वैक्यूल में हमारे पास याद रख लीजिएगा, अच्छा इसमें एक और चीज पीछे है, ठीक है वो मैं बता देता हूँ हमारे पास के, हमारे पास जो सेल होता है ना, ये है फर्ज कर ले सेल, सेल में है ये न्यूक्लियस, ठीक हो गया। तो न्यूक्लियस की जो सराउंडिंग रीजन होती है, समझ आ गई, न्यूक्लियस का जो सराउंडिंग पोर्शन होता है, ठीक है ये याद रख लीजिएगा, इसको मैं कहता हूं इस तरह से लिखता हूं, इसको मैं कहता हूं ये लेस डेंस है। ये क्या है, लेस डेंस, ठीक हो गया। और जो साइटोप्लाज्म का जो जो आप कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन के रीजन, जो आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन के जो पास वाला रीजन है ये वाला, ठीक है ये आप कह सकते हैं हाईली डेंस है, ठीक हो गया। ये रीजन क्या है हमारे पास मेम्ब्रेन के पास पास, यानी पेरिफेरल रीजन क्या है हमारे पास, हाईली डेंस है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जी जो पेरिफेरल रीजन है, ठीक है साइटोप्लाज्म का, वो क्या है, डेंस है, ठीक हो गया। अब इसको हम कहते हैं साइटोजेल, ठीक हो गया, पेरिफेरल रीजन को हम क्या कहेंगे, साइटोजेल। और हमारे पास जो लूजली या लेस डेंस होता है इसको हम कहते हैं साइटोसोल, ठीक हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, साइटोसोल। अब साइटोसोल में भी फर्दर दो डिविजन हैं, वो क्या है जी, एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में आप कह सकते हैं आयंस वगैरह होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है उसमें आप एंजाइम कह सकते हैं, ठीक है बल्कि ग्रुप्स आप कह सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल जो है वो आ जाते हैं। समझ आ गई इस बात की, तो ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया, ये कोलाइडल। तो ये साइटोप्लाज्म के हवाले से जो चीजें थी कुछ वो आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद वैक्यूल है, वैक्यूल हमारे पास याद रखिएगा बहुत ही प्लांट एंड एनिमल सेल में होता है, ठीक है। और अब सवाल आता है कि वैक्यूल बनता कहाँ से है, उसमें तीन लिखी हुई है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, गोल्जी अपैरेटस से बनता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों हमने याद होगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, हमने कहा था ट्रांसपोर्ट वेसिकल, याद है ना, इसी तरह हमने पढ़ा था सेक्रेटरी वेसिकल जो गोल्जी अपैरेटस से निकल रहा था, ठीक है इससे निकल रहा था तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इससे निकल रहा था तो सेक्रेटरी वेसिकल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्ज करें बाहर से सेल कोई फूड पार्टिकल आ रहा था, लाइसोसोम वाला टॉपिक याद करो, उसको हमने क्या कहा था, फूड वैक्यूल, ठीक हो गया। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल, फूड वैक्यूल फूड की स्टोरेज करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, वाटर की जो है वो बैलेंस कर रहा होता है, होमियोस्टेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। अच्छा जी इसके अलावा जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, शाबाश टोनो प्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या कहते हैं, ये एक्चुअल में असिस्ट कर रहा होता है किसमें, टर्बिडिटी के अंदर, ठीक है यानी अगर वाटर आ गया है तो वाटर इसके अंदर ऐड होगा, ये क्या करेगा उसको टर्ज करेगा, जिससे प्लांट जो है ना वो एक आप कह सकते हैं टर्बिडिटी कंडीशन के अंदर रहते हैं। इसके अलावा प्लांट जो वैक्यूल है, ठीक है वो स्टोरेज हाउस के तौर पर भी जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है वेस्ट कह सकते हैं या एक्स्ट्रा मटीरियल होता है उसको जो है वो इसके अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपी का, ठीक है माइक्रोस्कोपी हमारे पास जो है इसमें एक चीज याद रखिए, टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास हमने क्या कहा जी कि माइक्रोस्कोप में तीन चार चीजें याद रखने वाली बेसिकली हैं जो कि एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू पूछा जाता होता है। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है दी सेल पीटीबी का, यहाँ पे इंडिकेट में 1 है, तो उसमें जो इनिशियली जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसमें एक येलो बॉक्स बना हुआ है, उस येलो बॉक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है आपने बस वही तैयार करनी है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे बताऊंगा वो आपने याद रखना है। अच्छा जी ये हमारे पास लेंस होता है, इस लेंस को हम कहते हैं ऑक्यूलर लेंस, इसको आई पीस भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या होती है, बॉडी ट्यूब होती है, देन हमारे पास ये क्या है जी, ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, ठीक है ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। देन हमारे पास स्टेज है, ठीक है जिसके ऊपर हम स्लाइड वगैरह रखते हैं।
उसके बाद मिरर होता है, या यहाँ पे हमारे पास है लाइट होती है। अब लाइट यहाँ से फॉल करती है, ऊपर से हम जो है वो देख रहे होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये बाकी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बेस है, फाइन फोकसिंग है, और हम इसके थ्रू फोकस कर सकते हैं। अब जो हमारे पास इसमें दो डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है, मैग्निफिकेशन यानी एक जो इमेज है उसको उसके एक्चुअल इमेज से बड़ा करके देखना, वो है मैग्नीफाई, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की टर्म जो है वो यूज करते हैं। मसलन मैं लिखूं 10x, इसका मतलब क्या है कि एक चीज अपने एक्चुअल इमेज से 10 गुना जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा, अब जो हमारे पास रेजोल्यूशन क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ लेंस टू सेपरेट टू एडजेसेंट जो है वो हमारे पास पॉइंट्स, ठीक हो गया, सेपरेट टू एडजेसेंट पॉइंट, यानी दो एडजेसेंट पॉइंट को सेपरेट जो है वो आउट करना। कैसे करना वो देखते हैं। मसलन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये दो पॉइंट है, आप इनको सेपरेट करें, या सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, न्यूक्लियस, हर सब चीजें मौजूद होती हैं, तो हम इंडिविजुअली, हमें कैसे पता चला कि यार ये इंडिविजुअल ऑर्गेनल है, ठीक है, तो वो हमें जो रेजोल्यूशन होती है वो हमें जो है वो बता रही होती है। अब याद रखना ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो 1.0 मिलीमीटर है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो उसकी क्या होती है 2.0 माइक्रोमीटर, और जो कि नॉर्मल आंख का 500 टाइम्स है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो इम्पोर्टेंस रखती है वो क्या है जी, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन क्या होगा, लाइट, विजिबल लाइट होगा, क्या होगा हमारे पास, विजिबल लाइट होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है जी, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपसे पूछ भी लूं कि जी अगर आपसे पूछा जाए कि जी देखो दो लेंस यूज हुए, एक यूज हुआ है आईपीस, ठीक हो गया, दूसरा यूज हुआ है ऑब्जेक्टिव, ठीक हो गया, तो हमें टोटल लेंस का कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो उसमें शाबाश आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, टोटल लेंस, ठीक है, सॉरी टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक हो गया, टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आई पीस, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। आप इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, जो भी यानी वो आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे बल्कि आ जाएंगे अभी, ये देखिएगा जरा आप हमारे पास ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ये देखिए जरा क्या आ रहा है वाला, इसमें आई पीस जो है वो हमारे पास है जी 10x। अच्छा, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास क्या 4x है, तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। इसी तरह 10 अगर आई पीस की है, 40 इसकी है, तो क्या हो जाएगी 100, 10 इसे, तो हम सिंपली क्या करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज जो है वो यहाँ पे पूछ सकता हूँ, ठीक है, और आ सकती है एंटी टेस्ट में, एक तो हम कह रहे हैं ना कि जी टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक हो गया, दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट आ सकती है, वो ये आ सकती है कि वो आपको टोटल, वो कहता है जी इफ टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया, इज 500 टाइम्स व्हाट, ठीक हो गया, और इसमें वो कहता है इफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज, फर्ज कर लें जी मैं कहता हूं जी हमारे पास है 50 टाइम्स है, ठीक है, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस विल बी, ठीक हो गया। अब इसको खुद जो है वो सॉल्व करना है आप लोगों ने, समझ आ गई है, मैं यहाँ पे एज इट इज छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और इसके आंसर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर आप लोगों ने मुझे जो है वो बताने, ठीक हो गया। इसी तरह मैं एक और एमसीक्यू लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, वो क्या है कि इफ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ, ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 10 टाइम्स एंड
टोटल मैग्निफिकेशन इज 1000 टाइम्स व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ, अब हमने इसके ऑक्यूलर की आ जाएगी, ठीक है, ऑक्यूलर लेंस, ठीक हो गया। ये आपने, अब ये दो एमसीक्यूज हैं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और मुझे बताना है, ओके, हो गया। उसके बाद हमारे पास वापस चलते हैं हम तो यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है, ठीक है, वो आ रही है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में याद रखना हमारे पास रेजोल्यूशन की है 2 to 4 angstrom, ठीक है। ये वैल्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, एंटी टेस्ट में पूछी जा सकती है। इसमें सोर्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बीम है, ठीक है, जो कि 500 टाइम्स है किसका, माइक्रोस्कोप का, ठीक है। और जो नॉर्मल ह्यूमन आई है उसका क्या है, 250,000 टाइम, यानी उससे बड़ा करके दिखा सकती है। यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना, ठीक है, उसकी दो टाइप्स हैं, एक आप पढ़ते हैं सेम और एक आप पढ़ते हैं टेम। सेम क्या होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टेम क्या होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक हो गया। अच्छा, अब लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सोर्स क्या है जी, लाइट है। इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन में अब दो चीजें हैं। ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमारे पास एक कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर का काम कंडेंस करते हैं। अगर लाइट का है तो लाइट को कंडेंस कर रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंडेंस कर रहे होते हैं। आप देखना जरा, ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है। अब होता ये है कि हमारे पास क्या होगा कि जो प्रोजेक्टेड लेंस, यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइट अबव रखते हैं, यहाँ पे हमने रखा होता है स्पेसिमन, जो चीज हमने देखनी होती है, ठीक हो गया। तो जब अब ऊपर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बीम ले रहे हैं, यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या कह सकते हैं, कैमरा फोकस कर रहा होता है और ये हमें इमेज दे देता है इस तरह से, ठीक है। और इसका इमेज क्या बनेगा हमारे पास, याद रखना, सिंपली आप कह सकते हैं नॉन कलर इमेज, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो इसका इमेज बनता है, ठीक है। दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये चीज हम रख देते हैं स्पेसिमन यहाँ पे, सही, इधर से इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो बम्बार की जाती है, यहाँ पे डिटेक्टर होता है तो वो एक्चुअल में स्कैन करता है चीज को, समझ आ गई। इसको मैं अगर थोड़ा सा इजी करके बताऊं ना, और तो हमारे पास क्या होगा कि फर्ज कर लें ये हमारे पास एक स्पेसिमेन है, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा हुआ है। ट्रांसमिशन में क्या होगा कि जो लाइट आएगी ना वो यहाँ से ऐसे लाइट कह रहा हूँ सॉरी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो यहाँ से पास आउट हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ हमने जो स्कैनिंग रखी होगी, स्कैनिंग में क्या होता है, जहां पे स्पेसिमेन पड़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक बीम आती है, स्ट्राइक करके जो है वो इस तरह से स्कैन करती है अपर सरफेस को, सिंपल, ठीक हो गया। ये याद रखना है, ये है स्कैनिंग, ये क्या है, ट्रांसमिशन, ठीक हो गया। तो स्कैनिंग और ट्रांसमिशन में एक और डिफरेंस मेजर लास्ट जो याद रखना है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम क्या करते हैं, डेड, ठीक है, मटेरियल को यूज करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे है भी लिखा हुआ होपफुली, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। और वो क्या है जी हमारे पास के जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम लाइव या डेड दोनों देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो हमें डेड या ड्राइड मटेरियल देखना होता है। इसमें सारे लेंस ग्लास के होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रो, ये देखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये डायग्राम याद कर लें, कोई इशू नहीं है, नहीं याद रखेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, कलरफुल इमेज है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो इमेज हमें नजर आता है, ठीक हो गया। ये हमने जो सेल का था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने देख लिया, टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर देख लिया, फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये मैकेनिज्म हमने देख लिए, उसके बाद आपने ऑर्गेनल्स के वाले से देख लिया और प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोटिक सेल में जो है वो डिफरेंस जो है वो देख लिया, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, जो आज का हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके अंदर हमने लाइसोसोम जो है वो पढ़ा, ठीक हो गया, यहाँ से, ठीक हो गया, लाइसोसोम पढ़ा हमने, ये सारा स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद हमने उसकी डिजीजेस देखी, फिर हमने परऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में देखा, उसके फंक्शन स्ट्रक्चर देखे, फिर उसके बाद हमने जो है वो साइटोस्केलेटन देखा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका फंक्शन देखा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, फिर उसका फंक्शन देखा, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के हवाले से, ठीक है, ये हमने देखा, देन जो है वो हमारे पास फंक्शन आ गए, देन साइटोप्लाज्म के हवाले से देखा हमने,
और उसके बाद हमने वैक्यूल देखा, देन माइक्रोस्कोपी देखी। इस तरह से हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कल इंशाल्लाह हम जो है डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के अंदर जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।